हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता है, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड के बारे में आपको हम अपने वीडियो में समय समय पर बताते आए हैं। साथ ही प्रैक्टिस सीट भी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगी। आज मैं आपके लिए मंथली ओलंपियाड के बारे में बात करूंगी। मंथली ओलंपियाड क्या होता है? मंथली ओलंपियाड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाए जाते हैं? उसके सिलेबस क्या हैं? प्रोसेस क्या हैं? उसकी एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी? एग्ज़ाम डेट क्या रहेंगे? सिलेबस क्या रहेगा? और एग्ज़ाम बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? ये सारे डिटेल्स आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले मंथली ओलंपियाड कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई जा रही है और कौन से सब्जेक्ट में करवाई जाती है। तो ये हम अभी आपके साथ हैं, यूनिफाइड काउंसिल फाउंडेशन ऑफ सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ओलंपियाड करवाए जाते हैं। इस ओलंपियाड के द्वारा मेनली चार सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर्स, जीके, इंग्लिश और मैथ, ये चार सब्जेक्ट्स में ही ओलंपियाड करवाए जाते हैं। इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने डाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मंथली ओलंपियाड के बारे में। यहाँ पर ये पाँच सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम लिए जाते हैं, जबकि मंथली ओलंपियाड यहाँ पर न्यू शुरू किया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। क्लिक हेयर द मोर डिटेल्स, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस साइट के द्वारा यूनिफाइड मंथली ओलंपियाड भी लिए जाते हैं। मंथली ओलंपियाड का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मंथली ओलंपियाड क्या है। यूनिफाइड मंथली ओलंपियाड इज यूनिक मंथली ओलंपियाड प्रोग्राम है। दिस ओलंपियाड आर कंडक्ट ऑनलाइन पर चैप्टर पर सब्जेक्ट पर मंथ। अर्थात यह एक यूनिक मंथली ओलंपियाड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक चैप्टर पर सब्जेक्ट एंड पर मंथ ऑनलाइन इस ओलंपियाड को कंडक्ट किया जाता है। द UMA प्रोवाइड शॉर्ट क्विक टूर थ्रू सब्जेक्ट टॉपिक एंड डिटेल टू चेक How deep and firm of root of the learning and fundamentals are। इस ओलंपियाड के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है कि शॉर्टली आप पता कर सके कि सब्जेक्ट टॉपिक्स पे, सब टॉपिक्स पे आपकी कितनी कमांड है और फंडामेंटल आप कितना कर पा रहे हैं। दिस वर्क लाइक रिफ्रेश कोर्स ऑफ टॉपिक द स्टूडेंट ऑलरेडी नो एज इट डील थ्रोली विथ ऑल सब टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। यह खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो ऑलरेडी उस चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके सब टॉपिक्स के कितने डिटेल्स उन्हें पता है, ये अपने आप को वो चेक कर सकते हैं। एंड ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द एवरी पार्टिसिपेट, द रेगुलर अपकीप एंड काइंड इटसेल्फ, द एटीट्यूड टू बी द टू इन ऑल टाइम। इस प्रकार बच्चे अपने कॉन्फिडेंस को जान सकते हैं और उनकी तैयारी कितनी ये भी जान सकते हैं। आफ्टर द टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड द प्रोग्राम सब टॉपिक वाइज टू डैट चैप्टर। एग्जाम के बाद, टेस्ट के बाद इनको एनालिसिस किया जाता है और बताया जाता है कि सब चैप्टर वाइज उनकी क्या तैयारी है, स्टूडेंट को चैप्टर वाइज वो कहाँ पर खड़े हैं, उन्हें किस तरह फोकस करना चाहिए, वो सारे एनालिसिस उनको करके बताया जाता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कमांड क्या है और वीकनेस कमांड क्या है, जिसके कारण बच्चा उस टॉपिक पर अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अब हम जानते हैं कि UMI अवेलेबल क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है और सब्जेक्ट यहाँ पर मंथली ओलंपियाड में दो ही सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सिंगल करेक्ट आंसर रहेंगे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। टाइमिंग 30 मिनट्स का दिया जाएगा। एग्जाम अकॉर्डिंग टू प्री डिजाइन शेड्यूल बिटवीन 10 AM टू 6 PM के बीच में आप कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है, UMA टेस्ट सिलेबस एंड शेड्यूल क्या रहेगा, साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन आप जानेंगे कि क्या क्या एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शन रहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार आप एग्जाम दे सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर। दिस ओलंपियाड कंडक्ट ऑनलाइन एवरी मंथ, इसको कंडक्ट किया जाता है। दीज आर डिजाइन फॉर बेटर प्रिपेयर्डनेस, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर रैंक। क्लास फर्स्ट टू टेंथ के लिए रहता है। सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो अभी हमने बता दिया आपको, और टाइमिंग ये रहता है, इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि किस प्रकार आप जो है एनरोल करेंगे।
यहाँ पे आपको लैपटॉप मोबाइल या डेस्कटॉप की जरूरत होती है और वहाँ पे आपको ये मेनली है कि आपका चार्ज होना चाहिए और कैमरा उसका सुटेबल होना चाहिए, जो पहले ही आपको चेक करवा लेना है। इस तरह का जनरल इंस्ट्रक्शन आपका रहता है। और साथ ही आपको कोई क्यूरीज हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन आपका कोई भी मोबाइल से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी का भी कॉल होता है तो आपको वो अटेंड नहीं करना है। अब सिलेबस एंड शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जैसे सपोज हर क्लास के लिए अलग अलग है। क्लास सेकेंड के लिए मान लिया अगर हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं ये क्या है। क्लास सेकेंड ओपन, देखिए यहाँ पे क्लास सेकेंड के लिए दिया गया है मैथ्स, मैथ्स साइंस एंड साइंस। दो नंबर्स, दो डेट आपको दिए गए हैं, नंबर्स वन एंड नंबर्स टू। टॉपिक्स दिया गया है जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब जैसे सपोज अक्टूबर में आपको देना है तो डिवीजन है, फ्रैक्शन है, मैथ्स के लिए दो टॉपिक है, इस दो टॉपिक्स पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 13 और 27 अक्टूबर है, साइंस में फैमिली एंड फेस्टिवल, गुड हैबिट एंड सेक्टेरोस, ये दो चैप्टर्स पे आपकी तैयारी से संबंधित MCQ 20 MCQ रहेंगे। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। फ्यू सेलेक्टेड चैप्टर विल ड्यू डिफरेंट टेस्ट, यानी कुछ चैप्टर यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं और डिफरेंट टाइम पे इसके टेस्ट होंगे जो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मंथली वाइज। अब आगे हम देख लेते हैं इसके रिमाइंडर। यूनिफाइड मंथली विथ रेडिमल टेस्ट होता है, फ्लो चार्ट, इस प्रकार ये प्रोसेस किया जाता है, सब टॉपिक्स रहते हैं, इस तरह ये आपको बताया गया है। अब इसकी हम जान लेते हैं कि फीस क्या रहता है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रजिस्टर के लिए तो यहाँ पर एक नंबर है, इस तरह नंबर पर भी आप जान सकते हैं। कुछ क्यूरीज हो तो यहाँ पर अगर आपको सेलेक्ट करना है, सपोज मान लीजिए सेकेंड क्लास हमने सेलेक्ट किया तो यूनिफाइड मंथली ओलंपियाड की ये आपके ऑप्शन वन के 750 रुपये है, यूनिफाइड मंथली ऑप्शन टू 751 एंड ऑप्शन थ्री 1000। बोथ ऑप्शन वन एंड टू दोनों को अगर आप करते हो तो एक साथ 1000 में आपका हो जाता है। उसी प्रकार मंथली यूनिफाइड ऑनलाइन रेमेडियल टेस्ट में आप आते हैं तो 1250, फिर 1251 एंड दोनों को अगर साथ में अटैच करके लेते हैं तो 1500 में हो जाता है। इसी प्रकार आवर पॉपुलर नैनुअल ओलंपियाड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस ओलंपियाड में, फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में एनुअल के, तो इस तरह आप देख सकते हैं अगर आप एनुअली सारे टेस्ट देते हैं तो। चलिए इस तरह आपने सिलेबस देख लिया, मंथली ओलंपियाड का हमने इंस्ट्रक्शन देख लिया है, कौन कौन से पेपर में हो सकते हैं, टॉपिक वाइज आपके हो गए। तो आई होप आपकी इससे सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई होगी। अगर आप यहाँ पर भरना चाहते हैं तो यूनिफाइड कॉन्सेंट .in पे जाकर, .com पे जाके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये ओलंपियाड बहुत अच्छी ओलंपियाड है, मोर देन 12 मिलियन स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड में हर साल पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।